और अब आपको तस्वीर दिखाएंगे लखनऊ की, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कुमार के एथलेटिक्स इसके प्रशिक्षक हैं, इन्हें भी आज यहां पे सम्मानित किया गया है। मैं इन चारों प्रशिक्षकों का भी आज यहां पे हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, प्रतियोगिता छोटी हो या बड़ी, वह हमें आगे बढ़ने का एक अवसर प्रदान करता है और ओलंपिक में प्रतिभा करना ही बहुत कठिन कार्य है। उसके लिए परिश्रम करना होता है, उसके लिए उसके अनुरूप अपने आप को तराशना पड़ता है। और ये जितने भी खिलाड़ी हैं जिन्हें आज यहां पर सम्मानित किया गया है, इन खिलाड़ियों ने बहुत परिश्रम किया। परिश्रम की जो पराकाष्ठा है उसको छूने का काम किया, तब वह देश का प्रतिनिधित्व ओलंपिक जैसी प्रतिष्ठित मंच पर जाकर के इन्होंने अपना झंडा गाड़ा, अपने देश का झंडा गाड़ा और देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम किया। तो स्वाभाविक रूप से देश की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उत्तर प्रदेश का निवासी है तो उत्तर प्रदेश का सम्मान स्वयं बढ़ जाएगा। और आज इस कार्यक्रम को इसी दिश से आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। हम सब जानते हैं कि आज देश के अंदर खेल का जो माहौल बना है, उस खेल के माहौल के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर जो एक नियोजित प्रयास हुए हैं, वह परिणाम आज हम सबको देखने को मिल रहा है। पूरे देश के अंदर एक वातावरण देखने को मिल रहा है और उस वातावरण का परिणाम आप याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया खेलों से इस अभियान का शुभारंभ किया था। इसके बाद फिट इंडिया मूवमेंट, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता और अब तो शहर हो या गांव या विश्वविद्यालयों के स्तर पर अब लीग प्रतियोगिताएं प्रारंभ हो चुकी हैं। मैं इस बार देख रहा था ग्रामीण खेलों के लीग आज जब प्रारंभ हुए हैं, इसमें अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग खेलों के लिए एक प्लेटफॉर्म प्राप्त हो रहा है और खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। लेकिन इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता, क्योंकि अगर खिलाड़ी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अच्छे प्रशिक्षक नहीं है, तो फिर उसका कोई मायने नहीं। और सरकार ने इस पे ध्यान दिया, आज डबल इंजन की सरकार इस पे लगातार ध्यान दे रही है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम स्टेडियम की बात करते हैं तो आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के अंदर 84 स्टेडियम, 67 बहुउद्देशीय हाल, 38 तरणताल, 15 सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम और 3 सिंथेटिक रनिंग ट्रैक भी आज उत्तर प्रदेश के पास मौजूद हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम 2, छात्रावास 16, अत्याधुनिक जिम 47, सिंथेटिक टेनिस कोर्ट 20 और डॉर्मेट्री 19, जूडो हॉल 2, कुश्ती हॉल 13, शूटिंग रेंज 6, इंडोर वॉलीबॉल हॉल 2 और वेट लिफ्टिंग के हॉल 12, सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट ये 14 आज प्रदेश के अंदर वर्तमान में बनकर के तैयार हुए हैं। और प्रदेश सरकार ने एक बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखकर के कार्य करना प्रारंभ किया है, जिसमें 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान हो, बच्चे वहां खेलें। हमारे पास 826 विकास खंड हैं, इन 826 विकास खंड में मिनी स्टेडियम हो। मिनी स्टेडियम के लिए वहां पर जिला प्रशासन से कहा जा रहा है वे जमीन आरक्षित करें, कम से कम 5 एकड़ लैंड तो कम से कम होनी चाहिए मिनी स्टेडियम के लिए। और जनपद स्तर पर एक एक स्टेडियम हो। स्टेडियम के निर्माण के साथ साथ हर ग्राम पंचायत में ओपन जिम का निर्माण भी हो। युवक मंगल दल और महिला मंगल दल हर ग्राम पंचायत में उन्हें स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं,
कहीं वॉलीबॉल, कहीं फुटबॉल, कहीं क्रिकेट, कहीं पे हॉकी, कहीं पे अलग अलग खेलों के लिए जहां यह कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, तो साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पूर्व ओलंपिक के, कॉमनवेल्थ गेम्स के, एशियन गेम्स के जो पूर्व खिलाड़ी रहे हैं या विश्व चैंपियनशिप के जितने भी पूर्व खिलाड़ी हैं, इन खिलाड़ियों को भी हम प्रशिक्षक के रूप में तैनात कर सकें, इसके लिए भी विभाग से कहा गया है कि वह स्पेशल इंसेंटिव देकर के उन खिलाड़ियों को प्रशिक्षक के रूप में तैनात करें और इसके लिए उन्हें हर प्रकार से आगे बढ़ाने का कार्य करें। प्रदेश के अंदर खिलाड़ियों के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए हर वर्ष हम लोग जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जो खिलाड़ी प्रतिभाग करता है और पुरस्कार प्राप्त करता है, उनके लिए प्रदेश के अंदर पुरुषों में प्रदेश के अंदर हम लोगों ने लक्ष्मण पुरस्कार और महिला वर्ग में ऐसे खिलाड़ियों के लिए रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की घोषणा की है, जिसमें सरकार उन्हें नगद राशि के साथ साथ उन्हें इससे इसके प्रमाण पत्र आदि से सम्मानित करने का कार्य करती है। जो पूर्व खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों को जिन्हें अर्जुन पुरस्कार या द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार या खेल रत्न पुरस्कार या पद्म पुरस्कार खिलाड़ियों को जिन्हें प्राप्त हुआ है, उन खिलाड़ियों को 20,000 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदेश सरकार देती है। जो वृद्ध और अशक्त विपदाग्रस्त राज्य स्तर के खिलाड़ी हैं, उन्हें 4,000 रुपये, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 6,000 रुपये और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 10,000 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदेश सरकार उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य कराती है। एकलव्य क्रीड़ा कोष का भी गठन प्रदेश के अंदर किया गया है और साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण भी हम लोग मेरठ में कर रहे हैं। मेरठ मेजर ध्यानचंद के नाम पे आज वहां पे एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा है। इन सभी कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए आज प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में जो एक कार्यक्रम चले हैं, पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश ने आज इस फील्ड में अलग अलग कार्यक्रम बनाए हैं। अब खेल भी आपके दिनचर्या का एक हिस्सा बने। याद रखना, भारतीय मनीषा कहती है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जीवन में एक सर्वश्रेष्ठ जीवन यापन करने के लिए जो भी साधन है वह स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकते हैं, और स्वस्थ शरीर के लिए आपको हर कार्य के साथ एक व्यवस्थित तरीके से जुड़ने के लिए एक मंच चाहिए। ये जो खिलाड़ी यहां पर हैं जिन्होंने मेडल जीते हैं, ये केवल मेडल और पुरस्कार ही नहीं प्राप्त होने वाले हैं, इन खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरियां भी इनका इंतजार कर रही हैं। अभी टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए श्री ललित कुमार उपाध्याय को हम लोगों ने सीधे डिप्टी एसपी के पद से प्रदेश के अंदर उन्हें यह स्थान, उन्हें नियुक्ति पत्र दिया है। इसके अलावा अन्य तमाम खिलाड़ी इस संबंध में प्रदेश के अंदर इन्होंने यहां पर उन्हें प्रदेश के अंदर हमें ने यहां पे प्रदेश सरकार ने उन्हें नियुक्ति पत्र देकर के सम्मानित किया है। प्रदेश सरकार आज उन लोगों को अपने साथ जोड़ रही है। क्रिकेट के लिए सुश्री दीप्ति शर्मा, एथलेटिक्स के लिए सुश्री पारुल चौधरी, शूटिंग खिलाड़ी में अखिल श्योराण, कबड्डी में अर्जुन देसवाल, ये सभी प्रदेश सरकार में डिप्टी एसपी के पद पर सीधे सीधे भर्ती किए गए हैं। और जूडो खिलाड़ी के रूप में श्री विजय कुमार यादव को और कुश्ती खिलाड़ी के रूप में सुश्री दिव्या काकरान को
ये नायब तहसीलदार की सीधी नियुक्ति इन्हें उपलब्ध कराई गई है। केनो स्प्रिंग खिलाड़ी के रूप में से अर्जुन सिंह को यात्री कर